अस्सलाम वालेकुम। आज दही चूड़ा का नाश्ता बनाते हैं, दही और पोहा का नाश्ता बनाते हैं आज। तो इसके लिए हम पोहा ले लेंगे। तो एक प्लेट में मैंने पोहा ले लिया है, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, देख लेंगे डस्ट वस्ट रहे तो उसको निकाल देंगे, धुलना नहीं है, ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ मैं। बहुत से लोग धुल भी देते हैं, आप चाहें तो धुल भी सकते हैं, वॉश कर ले एक बार। यहाँ मैं वॉश नहीं कर रही, बस उसको साफ़ कर ली हूँ। उसके ऊपर दही डाल दूँगी, जितना मैंने चूड़ा लिया है उससे डबल दही लिया है। अब उस पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी और शुगर डाल दूँगी, शुगर ज़्यादा डालूँगी और नमक थोड़ा कम डालूँगी। 2 से 3 स्पून जो है मैंने शुगर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, चुटकी भर नमक डालेंगे। उसके ऊपर ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी, 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर डाल के मिक्स कर लूँगी इन तीनों चीज़ों को। अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दही थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो ये क्रीमी सा लगेगा दही चूड़ा, तो यहाँ देख सकते हैं आप, मिक्स कर ली हूँ मैं। अब जो है इधर आ जाते हैं, गैस पे एक पैन चढ़ा देते हैं। अब ये थोड़ा गर्म हो गया है पैन, तो ऑयल डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा डालूंगी ऑयल, 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगी। उसमें जो है थोड़ा सा राई डाल देंगे, मस्टर्ड सीड्स। उसके ऊपर थोड़ा सा हींग डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। बस ये 3 चीज़ें डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा टॉस कर लेते हैं। मिक्स कर देती हूँ स्पून से, देख सकते हैं रेडी हो गया है तड़का। अब इस दही चूड़ा में तड़का लगा दूंगी मैं, देख सकते हैं तड़का लगा दिया है, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो है ये रेडी है दही चूड़ा, अब आप इसको खा सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में खाइए, बहुत ही मज़े का लगेगा और पेट भी ठंडा रहता है। गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है सुबह सुबह दही चूड़ा खाना। तो अभी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।